Now, our topic is transcription, the process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA, term transcription. जैसे कि हम जानते हैं, जब हम पढ़ रहे थे रिप्लिकेशन में भी, तो उसमें क्या हुआ था कि DNA से फिर ट्रांसक्रिप्शन के जरिए mRNA में जाएगा, फिर mRNA से ट्रांसलेशन के जरिए प्रोटीन में होगा. तो बता रहा है उसी तरह कि वो प्रोसेस जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है एक स्ट्रैंड में DNA से RNA में, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल. ये प्रोसेस होता है यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में, मतलब प्रोसेस होता है. ठीक जी, पूरा जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का. द स्टैंड ऑफ DNA विथ प्लोरिटी, ये जो DNA स्टैंड ऑफ प्लोरिटी सर 3 to 5 जाता है. डैट्स डायरेक्ट, ये डायरेक्टली है. ये सिंथेसाइज करते हैं mRNA को कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में, जिसको टेम्पलेट कहते हैं. अब इसको हम आपको डायग्राम के साथ भी एक्सप्लेन करेंगे. फिर दूसरा स्टैंड जो कि 5 to 3 होता है, जो सेम सिक्वेंस को बियर करता है लेकिन mRNA के थ्रू, उसको नॉन टेम्पलेट या फिर कोडिंग और कोडिंग स्टैंड, दो के दोनों कहते हैं, नॉन टेम्पलेट और कोडिंग स्टैंड कहते हैं. नाउ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन DNA इज डिफाइंड प्राइमरी बाय 3 reasons इन द DNA. ये 3 reason के DNA में डिफाइन होते हैं. पहला है प्रोमोटर, दूसरा है द जेनेटिक स्ट्रक्चर जीन, तीसरा है टर्मिनेटर. प्रोमोटर होता क्या है? द प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर क्लैंप द जेनेटिक स्ट्रक्चर जीन इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. जो प्रोमोटर और टर्मिनेटर है, ये फ्लैंक करता है स्ट्रक्चर, ये फ्लैंक है स्ट्रक्चर जीन में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में. असल में इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो हैं वो दोनों एक ही साथ, जैसे कि आपको ये डायग्राम दिखाते हैं, ये देखना आप. तो ये क्या है? ये प्रोमोटर है. ये क्या है? ये टर्मिनेटर है. ये दोनों एक साथ फ्लैंक, मतलब एक साथ हैं. ठीक है, सेम चीज़ में है, तो इसीलिए इसको इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं. ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में इसलिए एक दूसरे के साथ फ्लैंक करते हैं स्ट्रक्चर जीन में. ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर जीन का है. ठीक, फिर क्या है? फिर कह रहा है द प्रमोटर इज सेट टू बी लोकेटेड टूवर्ड 5 end अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चर जीन. जो प्रमोटर है, उसके बाद द रेफरेंस इज मेड विथ रिस्पेक्ट टू द प्लोरिटी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड. तो कह रहा है कि जो प्रमोटर है, ये 5 end से आता है डायरेक्ट. ये देखिए एरो बना हुआ है ना, ये 5 end से आ रहा है स्ट्रक्चर जीन्स के जरिए, स्ट्रक्चर जीन में. और रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट कोडिंग, मतलब इसी के साथ ये जो कोडिंग स्टैंड प्रोरिटी सिमिलरिटी, इसी के साथ कोडिंग स्टैंड भी जा रहा है. ठीक, ये देखिए आप देख रहे होंगे ये 5 end. ठीक, फिर क्या लिखा हुआ है? हाइपोथेटिकली सीक्वेंस फ्रॉम अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बिलो. किस तरह से होता है? इसे हाइपोथेटिकली से माना गया है कि किस तरह से होता है. जैसे कि 3 or 5 है, तो ये पहला वाला जो टेम्पलेट स्टैंड ए टी जी सी. काफ़ी लोग को जब लिखते हैं तो उन्हें लगता है कि कितना डिफिकल्ट है, इसको याद करना बहुत कठिन है. असल में याद करना बहुत आसान है. जैसे कि आप बस ये याद कर लो, ये 4 चीज़ ATGC, ये याद कर लो. ऐसे करके आप ATGC जितना माना है उतना लिखो, बट सिक्वेंस वाइज. ये टेम्पलेट स्टैंड है, वही कोडिंग स्टैंड देखिए तो TACG. अब इसको याद करने की जरूरत नहीं, जैसे AT है तो इसका उल्टा कर दो, तो T पहले ACA, फिर A, फिर GC था तो CG कर दो. उसी तरह जितना ऊपर वाला लिखेंगे उतना नीचे वाला लिखेंगे, इसको कोडिंग स्टैंड कहते हैं. ठीक, ये देखिए ये शो कर रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. तो ये 5 end था, इसमें भी सेम प्रायोरिटी 5 end. ये एरो इधर 3 में बना हुआ है, इधर 3. ये कोडिंग स्टैंड है, ये टेम्पलेट स्टैंड है, ये ऑरेंज वाला जो दिख रहा है
ये टेम्पलेट है, ग्रीन वाला जो है ये कोडिंग है, ये पूरा स्ट्रक्चर जीन है, और ये प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है। तो इसके आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। थैंक्स। इफ एनी प्रॉब्लम देन यू कमेंटेड एंड पुश योर क्वेश्चन।